Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. How are you? I hope you are fine. Today we are going to start our lecture number 47, and which is related to the remaining part of exercise short question of the electrochemistry. Question number 8 तक हमने discuss कर लिया था. आज हम question number 9 जो है वो discuss करेंगे electrochemistry का. और ये आपके exercise का question है. अब question आपके पास ये है, how you can prove that an example. आप कैसे प्रूव करेंगे एग्जाम्पल के साथ कि कन्वर्जन ऑफ एन आयन टू एन एटम इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, कि जब हमारे पास जो आयन है वो कन्वर्ट होता है एटम्स के अंदर तो वो किस तरह से वो प्रोसेस जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है. तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर ये है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो कन्वर्जन ऑफ एन आयन है टू एन एटम इज इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होगा. सबसे पहले हमारे पास है एग्जाम्पल, वी हैव अ क्लोरीन. अब यहाँ पर ये क्लोरीन आयन है, इट्स मीन दैट दे ऑलरेडी लूज द सॉरी गेन द इलेक्ट्रॉन और ये उसमें आयन में कन्वर्ट हो चुका है. हम सबको पता है कि जो नॉन मैटर्स होती हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती हैं, ठीक है. और ऑक्सीडेशन क्या है, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही क्लोरीन जो है वो आयन क्लोरीन आयन से क्लोरीन में कन्वर्ट हुआ, मतलब माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया और उसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है. अब यहाँ पर ये 18 के साथ था, जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो अब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इसके ऊपर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, 17 हो गया, ठीक है. तो अब ये सॉरी अब ये पूरे एटम बन गया है, क्लोरीन एटम बन गया, ऑक्सीडेशन स्टेट अब इसके ऊपर क्या है, जीरो है. सो द कन्वर्जन ऑफ अ नेगेटिव क्लोरीन आयन टू द क्लोरीन, अब जो हमारे पास कन्वर्जन होगी नेगेटिव क्लोरीन आयन्स की टू द क्लोरीन एटम्स के अंदर इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस बिकॉज एंड इट इज इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 1 to 0. अब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस से जो है वो कहाँ चला गया है, जीरो में चला गया है. तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, व्हाई डज द एनोड कैरी नेगेटिव चार्ज इन द गैल्वेनिक सेल एंड पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल. कि वो कहते हैं ऐसा क्यों है कि एनोड जो है वो गैल्वेनिक सेल के ऊपर जो है वो नेगेटिव है और एनोड जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर पॉजिटिव है. तो इन गैल्वेनिक सेल को सबसे पहले डिस्कस करते हैं. इन द गैल्वेनिक सेल एनोड कैरी नेगेटिव चार्ज. अब वो क्यों कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, उसका रीजन क्या है, बिकॉज द डेपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जब डेपोजिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का विच आर लॉस्ट बाय द मेटल एक्ट एज अ एनोड, क्योंकि वो लॉस ऑफ जो है वो हमारे पास जो डेपोजिशन जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की होगी तो वो क्यों होगी, क्योंकि मेटल्स ने क्या किया है, लॉस्ट किया है इलेक्ट्रॉन्स को, इन विच इज एक्ट एज अ एनोड. और जबकि हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जब हम बात करते हैं तो एनोड कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज को, उसका रीजन क्या होता है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जो है वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है. अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरह से कि वाई डू द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू द डैनियल सेल, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करता है थ्रू द वायर, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे थ्रू द वायर फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड जो कि एक्ट कर रहा है एनोड के तौर पे एंड टू द कॉपर इलेक्ट्रोड जो कि एक्ट कर रहा है कैथोड के तौर पे, मतलब कि जिंक जो है वो एनोड इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और जो हमारे पास कॉपर जो है वो कैथोड इलेक्ट्रोड है, मतलब जिंक. अब वो जो अब हमारे पास वो जो ये हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अगर सुना होगा तो दैट इज टॉकिंग अबाउट दैट द सॉल्ट ब्रिज एंड द नेरिसन सॉरी फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज में था कि जो आइंस जो थे, जैसे ही जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो एक्सटर्नल वायर से जो है वो मूव करते करते जो है वो कॉपर के पास चले जाते हैं, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड्स के पास चले जाते हैं. तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि वेयर डू द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड, कि वो जिंक इलेक्ट्रोड से कहाँ जाते हैं. तो जो जिंक के इलेक्ट्रोड जब वो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो वो एक्सटर्नल वायर से जो है वो करते हुए ट्रैवल करते हुए या माइग्रेट करते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड्स की तरफ चले जाते हैं, एंड कॉपर इलेक्ट्रोड वहां पर एक्ट कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ द कैथोड और जिंक जो है वो एक्ट कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ एनोड, ठीक है. और अच्छा, और यहाँ पे वही वाला है कि
हमारे पास जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है और एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। वो मैंने भी आपको यहाँ पे भी बता दिया कि वहाँ पे डेपोजिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, विच आर लॉस्ट बाय द मेटल, जो कि मेटल वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लॉस्ट होके आते हैं, क्योंकि वो मेटल उसको लॉस्ट करती है, ठीक है। और वो कौन सी मेटल है, जिंक मेटल है, वो ज्यादा जल्दी दे हैव टू टेंडेंसी मोर एज कम्पेयर टू द जिंक टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और कॉपर बाद में करता है और जिंक जो है वो पहले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं, विच इज एक्टिंग ऑन द एनोड। ओके अच्छा, ये हो गए आपके क्वेश्चंस के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई डू इलेक्ट्रोड गेट देयर नेम एनोड एंड कैथोड इन द गैल्वेनिक सेल। हम क्यों इनको, मतलब इलेक्ट्रोड्स को क्यों इनके नेम्स देते हैं कि ये एनोड है ये कैथोड इन गैल्वेनिक सेल के अंदर। तो मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी, इन द गैल्वेनिक सेल द इलेक्ट्रोड फ्रॉम विच हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे अगर बीकर है, बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो करके, मतलब आउटसाइड की तरफ जो है वो फ्लो करके जाएंगे, फ्लो आउट ऑफ द सेल करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। और उसको हम ग्रीक लैंग्वेज में या ग्रीक एनोड अवे अप बोलेंगे, ठीक है, ऊपर से ऊपर की तरफ। एंड इलेक्ट्रोड फ्रॉम जो हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड होगा विच इज एक्ट इन द फॉर्म ऑफ कैथोड, विच इलेक्ट्रोड फ्लो इन टू द सेल, मतलब वो फ्लो करेंगे इन टू द सेल के अंदर, तो वो क्या कहलाएंगे, कैथोड कहलाएंगे। एंड ग्रीक कैथोड अवे डाउन, मतलब वो डाउन मतलब वो सॉल्यूशन के अंदर होंगे, मतलब वो ट्रेवल करके ऊपर से जाएंगे, उसके ऊपर डिपॉजिट होंगे, फिर उसके अंदर वो बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, सॉल्यूशन के अंदर होंगे, इसलिए उन्होंने लिखा है डाउन, मतलब नीचे की तरफ होंगे। व्हाट हैपेंड एट द कैथोड इन द गैल्वेनिक सेल, कि वो कहते हैं गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कैथोड के ऊपर, तो कैथोड के ऊपर क्या होगी, गैल्वेनिक सेल के ऊपर रिडक्शन टेक प्लेस करेगी। अच्छा, ये दो नंबर का सवाल आता है तो बच्चे सिर्फ लिख देते हैं रिडक्शन टेक प्लेस, तो अपने से प्रॉपर वर्ड में लिखना है इन अ गैल्वेनिक सेल एट द कैथोड रिडक्शन टेक प्लेस, कैथोड के ऊपर जो है वो क्या होगी, रिडक्शन टेक प्लेस होगी। एक मार्क्स आपको मिल गया। अब आपने ये भी बताना है कि रिडक्शन हो कैसे रही है, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द रिडक्शन, तो वी कैन से दैट द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिडक्शन। तो वन कंडीशन इज अप्लाई ऑन देयर, हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, विच आर द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हैव अ कॉपर मेटल्स, सॉरी वी हैव अ कॉपर आइन, एंड कॉपर आइन क्या कर रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे वन लिख दिया, यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन कर लेगा, ठीक है, और वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास कॉपर मेटल के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। उसके बाद है विच सोल्यूशन इज यूज एज अ इलेक्ट्रोलाइट इन द नेरिसन सेल, कि हम नेरिसन सेल के अंदर कौन सा सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट। तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हम एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, NaCl plus water, aqueous solution of sodium chloride is called the brine। मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई सॉल्ट वाटर के अंदर डालते हैं, that are the brine solution and that are the more concentrated, मतलब एक थिक किस्म का जो है वो आपके पास क्या होता है, solution होता है, is called as a electrolyte in the Neirson cell, कि Neirson cell के अंदर as a electrolyte जो है वो हमारे पास क्या है, brine solution करता है, and brine solution is combination of a aqueous solution of a sodium chloride, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए क्वेश्चन नंबर 14। इंशाल्लाह जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।